गुड मॉर्निंग, जय मुरलीधर। पापा अभी देख के नारियल के छिलके निकाल रहे हैं, तो कहीं पर चढ़ाना होगा। कहाँ पर चढ़ाना है पापा? हाँ, तो मम्मी को पता, मेरे को पता। ऐसा है, मम्मी ने कुछ मन्नत मांगी होगी इसलिए छिलके निकाल रहे हैं। देखिए, एक यहाँ पर है, दूसरे का छिलका निकाल रहे हैं। तो बहुत टाइम से हमें नारियल भी नहीं खरीदना पड़ रहा है, बढ़िया है नहीं पापा? बढ़िया तो है। एक है सिर्फ, देखो वहाँ एक ट्री है, उससे भी इतने कोकोनट निकल रहे हैं, और पानी भी इतना नहीं है हमारे यहाँ, तो फिर भी मस्त से हार्वेस्टिंग हो रही है। तो ये एक के छिलके निकल गए हैं, अभी दूसरे नारियल का छिलके निकाल लेंगे। मम्मी श्रीफल चढ़ाने के लिए निकल चुके हैं, चलो आज हम भी चलते हैं। कौन सा टेंपल है, कहाँ पर है, चलो दिखाता हूँ आप लोगों को भी। मैं भी बहुत टाइम से गया नहीं हूँ, इसलिए मैं भी होकर आता हूँ। है चाचा का खेत, और वहाँ तक पहुँच गए मम्मी तो देखिए बहुत पहले निकल गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया। चलो फटाफट चलते हैं। कहाँ पर है टेम्पल, यहाँ से तो नहीं दिखेगा, अभी थोड़ा आगे जाएंगे, वो वाली बॉर्डर तक चलते हैं चाचा की, फिर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए रामसी बाबा की सब्जी है, 1 2 3 4 क्यारियाँ, ये 2 क्यारियाँ ग्वार थी, इसमें बैंगन है, इसमें है मिर्च, देखिए छोटी छोटी क्यारियाँ, घर में इस्तेमाल हो सके घर के खाने के लिए उतनी है। तो देखिए अभी दिख रहा है वहाँ पर है टेम्पल, हल्का हल्का दिख रहा है। चलो अभी पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच जाएंगे तो अच्छे से दिख ही जाएगा। तो देखो ये है हमारे चाचा का खेत, फिर ये राम सिंह बाबा का खेत, और ये खेत के उस तरफ है, वो वाले खेत में है टेम्पल। चलिए पहुंच चुके हैं टेम्पल के पास में, देखिए पहले टेम्पल नहीं बना हुआ था, ये तो अभी रिसेंटली 10 11 साल पहले ही बना है जहाँ तक मुझे याद है। पहले देखिए यहाँ जो नीम का ये पेड़ है वो बहुत बड़ा था, तो इसके नीचे ही लगे हुए थी, वो पहाड़ियाँ नहीं होता है उस टाइप की लगी हुई थी, ये पेड़ तब तो बहुत बड़ा था मुझे जहाँ तक याद है वहाँ तक। तो अभी कैसा हो गया है चलो दिखाता हूँ। तो ये देखो कैसा मस्त सा है, वरना पहले इस तरीके का था और इसमें सिंदूर लगा हुआ था सिर्फ। देखो ये सारी चीजें अभी भी है, देख रहे हो यहाँ नीचे जो भी कुछ है ना, ये सारा वही कुछ था, लेकिन जब ये मंदिर बन गया टेम्पल बढ़िया से, तभी ये मूर्ति लगी, ये लगी, और ये है सोनल माता जी की, तो ये भी लग गई, वरना सिर्फ ये इतना ही था। तो चलो अभी मम्मी कोकोनट चढ़ा देंगे, उसके बाद दर्शन करते हैं और फिर घर निकलेंगे।
नारियल चढ़ा देंगे, उसके बाद चलेंगे। तो ये वाचरा दादा की मूर्ति लगी है और ये है सोनल माता जी की। तो ये दो पहले तो सिर्फ वाचरा दादा का ही था टेम्पल। मन देखो मम्मी आते ही है यहाँ पर, जब कोई काम होता है तभी नहीं आते, ज्यादातर आते ही है मंडे को फ्री होते हैं तब। तो आज सोचा मैं भी चलता हूँ। चलो यहाँ से देखिए, वो रहा अपना घर। एक मिनट, ये देखो दिख रहा है वाइट वाइट, तो इतना ही दूर है थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ से इस तरफ आते हैं, चाचा का खेत आता है, चाचा के खेत के इस तरफ ये वाले खेत में ही है माता जी और वाचरा दादा दोनों का टेम्पल। तो मेरे लिए भी दुआ कर ली और आप सभी लोगों के लिए भी दुआ कर दी है। चलो ये श्रीफल भर लेते हैं इसमें और थोड़ी सी प्रसादी भी ले लेते हैं। बाकी देखिए लोहे का था ना, इसलिए इसमें मस्त तरीके से निकल गए, वरना घर पे बहुत ट्राई करते निकलता ही नहीं, यहाँ पर आसानी से निकल गया। तो चलो रेडी, चलो अभी निकालते हैं। चलो ताला लगा दिया है, देखिए ये देखिए ये ताला है। वैसे ताला लगाने की जरूरत, तो पहुंच गए हैं घर पे। हम भी अभी खड़े हैं गौ मोटी माँ के पास में, बातें वगैरह चल रही है। तो विमा लायक है, अभी देखिए बुआ के घर से आ गए हैं वापस। आके सीधा यहाँ पर आ गए हो क्या? फिर बैठे थे ना घर पे, तो कब निकलने वाले हो भोगात कंट्री पे? कल तो देखिए, आज लास्ट बार ही देख लो विमल को, इस तरफ देख, आज लास्ट बार ही देख लो। अब तो 2-3 महीने बाद आएगा, नहीं विमल, या 3-4 महीने बाद 3-4 महीने तो दिन ही लो, 3-4 महीने बाद दिखेगा। आज देख लो बढ़िया से, अब 3-4 महीने बाद वीडियो में देखेगा। दोपहर के बाद बेल चला रहे थे, देखिए पीछे बेल रहे। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।